हेलो, मैं हूँ शौनित निशांत और स्वागत है आपका माइटल यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं आसूस जेनफोन 5G और रेडमी नोट 5 प्रो के कैमरा के स्टेबलाइजेशन को। मतलब कि इस दोनों फ़ोन में आपको यहाँ पे आपको हालांकि जो आसूस जेनफोन 5G है यहाँ पे आपको OIS सपोर्ट देखने को मिल जाता है, मतलब ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन देखने को मिल जाता है, मतलब GROVS जिसको बोल सकते हैं आप। और यहाँ पे आपको रेडमी नोट 5 प्रो में भी यहाँ पे आपको AIS देखने को मिल जाता है। तो हम दोनों फ़ोन के कंपेयर करने वाले हैं कैमरा को से, मतलब कि इसमें जो OIS है और इसका जो EIS है, वो दोनों का कंपेयर करेंगे कि वीडियो में आपको स्टेबलाइजेशन किसकी अच्छी देखने को आपको मिल जाती है। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए चलिए हम आपको दिखाते हैं कि किसका स्टेबलाइजेशन जो है सो बेस्ट है। तो यहाँ पे दो कैमरा है मेरे हाथ में और मैंने होल्ड कर रखा है आपको, एक हाथ में आसूस जेनफोन 5G और दूसरे हाथ में मेरे पास है रेडमी का नोट 5 प्रो। और यहाँ पे मैं दोनों कैमरे के स्टेबलाइजेशन को चेक कर रहा हूँ कि एक्चुअल में जो स्टेबलाइजेशन है दोनों के कैसे, चूँकि आपको आसूस जेनफोन 5G में वैसे OIS सपोर्ट देखने को मिल जाता है और यहाँ पे आपको रेडमी नोट 5 प्रो में EIS सपोर्ट देखने को मिलता है। तो किसका स्टेबलाइजेशन जो है सो ज़्यादा बेहतर है वो देख लेते हैं। ऐसे कोई कंपेयर है नहीं, लेकिन फिर भी अगर देखें तो इसके प्राइस से पॉइंट के अकॉर्डिंग तो देख लेते हैं हम कि किसका स्टेबलाइजेशन ज़्यादा बेहतर है। जैसे कि देख सकते हैं एक हाथ में मेरे पास यहाँ पे है आपको रेडमी नोट 5 प्रो और दूसरे एंगल पे अगर देखें इस कैमरे में तो आपको आसूस जेनफोन 5G देखने को मिल जाता है मेरे हाथ में। तो ये हो गई ओवरऑल कैमरे की कंपैरिजन और मैं यहाँ पे आपको दोनों का फुटेज दिखाता हूँ कि एक्चुअल में जो स्टेबलाइजेशन है दोनों की वो, और दोनों को मैं फुल एचडी पे, चूंकि इसमें जो रेडमी नोट 5 प्रो है उसमें आपको फुल एचडी पे 30 फ्रेम पर सेकंड पे सपोर्ट कर रहा है, इसलिए मैंने दोनों में ही 30 फ्रेम पर सेकंड पे सेट कर रखा है और दोनों का फ्रेमिंग मैंने सेम कर रखा है। तो आप खुद ये जज करो कि आपको जो स्टेबलाइजेशन है वो किस कैमरा की ज़्यादा बेहतर लगी। मैं अगर बात ऑटो फोकसिंग की करें तो यहाँ पे मुझे जो ऐसा दिख रहा है, वैसे मैं कंप्यूटर पे देखूंगा तो मुझे ज़्यादा आइडिया होगा। यहाँ पे मुझे आसूस जेनफोन 5G की जो कंपेयर में की जाए तो काफ़ी अच्छी मुझे दिख रही है। इवन जो सेचुरेशन लेवल है कलर का या कंट्रास्ट लेवल वगैरह, मुझे आसूस जेनफोन 5G की काफ़ी इम्प्रूव लग रही है। तो ये एक सैम्पल शॉट था, आप ये खुद देख के जज करो कि कैमरे की क्वालिटी है वो किसकी बेहतर है। हालांकि कोई कंपेयर नहीं है चूंकि ये कैमरा आपको इसके डबल प्राइस के अकॉर्डिंग आता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप ये कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी जिनका बजट लो होता है उनके लिए कंपेयर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो आप खुद ये जज करो कि किसका कैमरा ज्यादा बेहतर है। तो फ्रंट रियर कैमरा के बाद अब मैं स्टेबलाइजेशन कंपेयर कर रहा हूँ यहाँ पे फ्रंट कैमरा की। देख सकते हैं मेरे दोनों हाथ में दो फोन है, जैसे कि आप देख तो नहीं सकते हैं लेकिन मैं दोनों क्लिप को मैं मर्ज कर दूंगा। तो यहाँ पे दोनों मेरे हाथ में दो फोन से, एक है आसूस जेनफोन 5G और एक है आपको रेडमी नोट 5 प्रो। और आप खुद आइडिया लगा सकते हैं, हालांकि आपको रेडमी नोट 5 प्रो में स्टेबलाइजेशन जो फ्रंट कैमरा में वो देखने को नहीं मिलता है, और यहाँ पे आसूस जेनफोन 5G में फ्रंट कैमरा में स्टेबलाइजेशन देखने को मिल जाता है AIS का सपोर्ट। तो आप खुद ये जज करो कि आपको जो कैमरे की क्वालिटी है फ्रंट कैमरे की वो किसकी अच्छी लगी। और दोनों का मैंने ऑनबोर्ड माइक ऑन कर रखा है और दोनों का जो फुटेज रिकॉर्ड हो रहा है वो कम्प्लीटली ऑनबोर्ड माइक से रिकॉर्ड हो रहा है। तो आप ये खुद जज कर सकते हो। और जो कंडीशन है अभी लगभग शाम का वक्त है तो कलर का लेवल क्या है और जो सनलाइट के इफेक्ट है, मतलब कि अगर आप जैसे कि देख सकते हैं आप खुद से लाइटिंग जिधर आ रहा है इसमें एक्सपोजर वैल्यू क्या आ रहा है, आपको वहाँ पर सेचुरेशन लेवल क्या है, ये सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं। दो कैमरा जो मेरे हाथ में, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं कि मेरे दोनों हाथ में कैमरा, एक आसूस जेनफोन 5G और एक रेडमी नोट 5 प्रो। तो आप खुद ये जज करो कि इस वजह से आपको किसमें बेहतर लगा और सेल्फी कैमरा का जो फ्रंट है वो किसका बेहतर लगा ज़्यादा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गई होगी कि किसका जो स्टेबलाइजेशन है वो ज़्यादा बेहतर है। और मैंने इसमें आपको दोनों कैमरा को करके दिखा दिया है आपको टाइम टू टाइम कि दोनों कैमरा का जो इंटरफेस है वो कैसा है। मतलब इंटरफेस तो मैंने पहले बता रखा था कि आपको जो स्टेबलाइजेशन है दोनों कैमरा की कैसे है। फ्रंट कैमरा से भी मैंने कुछ फुटेज लिया, उसके बाद उसमें मैंने साउंड भी आपको बताया कि आपको जो इनबिल्ट और ऑनबोर्ड माइक है उसका जो साउंड क्वालिटी है वो कैसी आती है। और यहाँ पर मैंने आपको दोनों कैमरा से मैंने शूट किया और मैंने आपको उसमें इंक्लूड कर दिया है कि मतलब कि किसका जो स्टेबलाइजेशन है वो ज़्यादा आपको बेहतर देखने को मिलेगा। पर्सनली मुझे जो जेनफोन UI है इसका, जो स्मार्टफोन है जेनफोन 5G का, वो ज़्यादा पसंद आया मुझे स्टेबलाइजेशन। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको किसका स्टेबलाइजेशन ज़्यादा बेहतर लगा। और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को देखा, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो समझ सके या जान सके कि उनके लिए स्टेबलाइजेशन अगर, चूंकि आज का जो ट्रेंड है वो काफ़ी लोग ब्लॉगिंग करना स्टार्ट कर दिए हैं और ब्लॉगिंग करना बहुत लोग पसंद है। और स्टेबलाइजेशन अगर आपके कैमरा में नहीं हो तो आपको ब्लॉगिंग करने में मज़ा नहीं आती है, चूंकि आपको जो हैक होता है वो सेक हो जाता है। इवन आप अगर पिक्चर वगैरह भी लेते हैं तो अगर आपका हाथ सेक कर जाता है तो पिक्चर ब्लरी इफेक्ट उसमें आ जाता है और पिक्चर ब्लर हो जाती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया कि आपको फोन में
OIS का AIS का सपोर्ट देखने को मिल जाए, और इस प्राइस सेगमेंट में ये तो हालांकि एक फ्लैगशिप फ़ोन है तो इसमें होना कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस प्राइस सेगमेंट में आपको Xiaomi ने यूज किया और आपको देखने को मिलता है AIS का सपोर्ट, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बना देता है इस फ़ोन को। तो प्राइस के अकॉर्डिंग भी आप कंपेयर कर सकते हैं, चूंकि ये फ़ोन मात्र 15,000 के अप्रोक्स का है और ये फ़ोन आपको उसका सिर्फ दोगुना है, तो आप उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि किसका आपको जो सपोर्ट है स्टेबलाइजेशन हो ज़्यादा बेहतर लगा। और आप मुझे ये बताओ, तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, और अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर से मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लिप में, बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।